नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है मारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। किर्गिस्तान में विदेशी छात्रों पर हमला किया गया है। दौसे के भी कई छात्र जो है वो किर्गिस्तान में MBBS कर रहे हैं। आपको बता दें कि हालांकि भारतीय हॉस्टल में मौजूद सभी छात्र सुरक्षित बताए जा रहे हैं। दौसा के बड़ा गांव खडेरा के सुनील शमशेर सत्येंद्र गुर्जर भी किर्गिस्तान में मौजूद है और सत्येंद्र की अपनी परिजनों से नियमित बातचीत हो रही है। विदेशी छात्रों पर हो रहे हमले के कारण सत्येंद्र के जो परिजन है वो अब चिंतित नजर आ रहे हैं। किर्गिस्तान के स्थानीय छात्रों ने विदेशी छात्रों पर हमले किए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित अन्य देशों के छात्रों पर हमला किया जा रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दौसा के भी कई छात्र जो है किर्गिस्तान में ही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, अभी क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले में, क्योंकि जो छात्र हैं उन पर अब हमला किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि दौसा का भी एक छात्र वहां पर है। बिल्कुल, दौसा का पहले एक छात्र की सूचना आई थी, अब धीरे धीरे जब संपर्क साधा गया है तो करीब आधा दर्जन से अधिक दौसा के छात्र हैं जो MBBS करने के लिए वहां पर गए थे और उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है। हालांकि जो भारतीय छात्र हैं चाहे दौसा के हों या फिर अन्य कोई राज्यों के हों, वो सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो वहां के जो स्थानीय छात्र हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के छात्रों पर हमला कर रहे हैं। लगातार कई छात्रों के घायल होने, उनकी मौत होने की इस तरह की सूचनाएं भी आ रही हैं। इसी के कारण जो भारतीय छात्र हैं वो दहशत में हैं, उनके परिजन भी काफी चिंतित हैं, क्योंकि वहां के जो दृश्य आए हैं, कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ वीडियो सामने आए हैं, उनको देखकर लग रहा है कि वहाँ के हालात काफी तनावपूर्ण हैं और उसी को देखते हुए यहाँ के परिजन उनके काफी चिंतित हैं। दौसा के कुल 5 छात्रों के नाम अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें 3 बड़ा गाँव खेड़ला के रहने वाले हैं, एक महुआ का रहने वाला है और एक बांदीकू का रहने वाला है। ऐसे में 5 छात्रों के परिजनों से हमारी बात हुई है, वो काफी चिंतित हैं। उनका हालांकि उनके जो बच्चे वहां पर गए हैं उनसे वो लगातार संपर्क में हैं और अभी तक वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल हॉस्टल के आसपास का दिखाई दे रहा है उससे वो काफी चिंतित हैं। भारतीय जो छात्रों की जो हॉस्टल है उस पर अभी तक किसी भी स्थानीय जो छात्रों के गुट हैं उन्होंने हमले नहीं किए हैं, लेकिन जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो हॉस्टल थे वहां पर जबरदस्त हमले हुए हैं और उन छात्रों के साथ जमकर मारपीट हुई है। ऐसे में ये जो पूरा पिटाई कांड जो चल रहा है उसी के कारण यहाँ के जो MBBS करने जो छात्र गए थे उनकी जान खतरे में है। वो भारतीय दूतावास से भी संपर्क साध रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको वहां से बाहर निकालने और उनको सैकुशल इंडिया वापस लाने की कोई कवायद अभी तक शुरू नहीं हुई है। हालांकि उनका ये कहना है कि उन्होंने भारतीय दूतावास के अधिकारियों से संपर्क साधा है। बिल्कुल आशीष, और पूरे देश भर के जो छात्र हैं वो MBBS की तैयारी करने के लिए किर्गिस्तान जाते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसी अगर घटना सामने आती है तो परिजनों में चिंता का माहौल तो बना ही रहेगा। अभी सत्येंद्र के परिजनों से आपकी बातचीत हो पाई हो, जैसे कि खबर है कि उनसे नियमित बातचीत परिजन कर रहे हैं, परिजन क्या कह रहे हैं? के पिता हाकिम सिंह गुर्जर जो बड़ा गांव खेड़ला के हैं उनसे हमारी काफी विस्तृत बात हुई है। उनका कहना है कि क्योंकि उनके बेटे ने जो वीडियो डाले हैं हॉस्टल के बाहर जो झगड़ा हो रहा है, छात्रों के एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, लाठियां बरसा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, जिसके कारण वो चिंतित है। हालांकि उनका बेटा पूरी तरह सुरक्षित है और लगातार दिन में 2-3 बार बातचीत हो रही है और जब ये घटनाक्रम शुरू हुआ है तो काफी बार बात वो अपने परिजनों से कर रहा है, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि कैसे भी करके भारतीय दूतावास यदि सक्रिय हो तत्काल यहाँ से जो इन भारतीय छात्र हैं उन्हें बाहर निकाला जाए तो उनकी चिंताएं खत्म होगी। इसलिए अब भारतीय छात्र और उनके परिजन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरह जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित इन भारत लाया जाए। बिल्कुल आशीष, और सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर लेकर के आ जाए, क्योंकि इस घटना से जाहिर सी बात है कि तनावपूर्ण माहौल भी बनता हुआ दिख रहा होगा। आशीष, दौसा से कई और छात्र हैं, सुनील शमशेर, और उनसे परिजनों से बातचीत हो पाई हो, उनका क्या कुछ कहना है, क्या बच्चों से उनकी बातचीत हो पा रही है, वहां पर क्या स्थिति है, कुछ बताया उन्होंने? बिल्कुल, जो ये छात्रों के जो नाम आए हैं, शमशेर हैं, विकास गुर्जर हैं, आयुष भारद्वाज है, इन सभी से मेरी खुद की बात हुई है, वो व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए मैंने बात की है, तो सभी सुरक्षित हैं, लेकिन वो आसपास का जो माहौल है उसको देखकर काफी चिंतित हैं, काफी भयग्रस्त हैं और भयभीत हो रहे हैं। वो अपने परिजनों से भी हालांकि पूरी बातें शेयर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि परिजन चिंतित हो जाएं, लेकिन उनका ये कहना है कि आसपास के माहौल को देखकर उनको टेंशन है। ऐसे में समय रहते हुए यदि भारतीय दूतावास के जरिए इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वही आपको बता दें कि दौसा के एक छात्र ने किर्गिस्तान में MBC के एक अधिकारी को फोन किया। अधिकारी से क्या कुछ बात हुई है वो आपको सुनाते हैं।
सर मेरा नाम अनवर है, अनवर अजीज है सर, अनवर अजीज खान नाम है सर मेरा। सर मैं बहुत परेशान हूँ सर, मैं यहाँ पे एक जॉब करता हूँ, मेरे साथ में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। स्टूडेंट जी हाँ, स्टूडेंट्स भी है मेरे साथ में, मेरे ग्रुप में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। हम लोग काफी परेशान, किसी कैफे में बंद है सर। अभी कहाँ? बिश्केक के अंदर में है सर, बिश्केक मेन सिटी के अंदर में है। हम लोग क्या करें सर, इंडियन गवर्नमेंट का हमारे को लेकर के क्या है यहाँ पे सर, स्टेप क्या है सर? फोन रिकॉर्ड हो रहा है सर। अब रात को कोई गवर्नमेंट फोन करके बताऊंगा मैं इंडिया में। मैं नहीं सर, बात रात की और दिन की नहीं है सर, हम लोग जो है सो बहुत परेशान है यहाँ पे और बहुत यंगस्टर्स हैं यहाँ पे। अभी हम क्या करें सर? अरे तो रात को मैं क्या करूँ, मुझे ये बताओ ना। नहीं आप कुछ मत करिए, ये बताइए कि हम लोग की सेफ्टी के लिए क्या प्रिकॉशंस लिए गए हैं सर, हमारी प्रिकॉशंस के लिए इंडियन नेशनल्स के लिए क्या है सर, हम लोग कहाँ जाएं? ऑलरेडी सर, ऑलरेडी दो पाकिस्तानियों का रिकॉर्डेड है ना। ही कटेड द कॉल, इंडियन एम्बेसी बिश्केक। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर भीलवाड़ा से है, जहां मकान का बरामदा गिरने से दो लोगों की मौत हो गई है और हादसे में मां बेटे की दब करके मौत हुई है। राधा देवी और बेटी सपना की हादसे में मौत की खबर मिल रही है। आपको बता दें कि 50 साल पुराना यह मकान बताया जा रहा है। बडलियास कस्बे में देर रात पुराने मकान का जो बरामदा है वो धराशायी हो गया है। बरामदे के नीचे ही जो है मां बेटी और एक बच्ची सो रही थी, बच्ची घायल बताई जा रही है। घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है। बडलियास थाना पुलिस और सरपंच मौके पर पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 50 साल पुराना ये मकान बताया जा रहा है और इसी का जो बरामदा है वो नीचे गिर गया है। देखिए सामान भी बिखरा हुआ है और एक बच्ची जो कि सो रही थी उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। हादसे में मां बेटी की जो दब करके मौत की भी खबर निकल करके सामने आ रही है। कुछ लोग आपको तस्वीरों में मौजूद नजर आ रहे हैं जो कि वहां पर पहुंचे हैं और 50 साल पुराना ये मकान बताया जा रहा है जहां पर बरामदा गिर गया और इसी वजह से दो लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। मां बेटी की दब करके मौत हुई है, दोनों ही सो रही थी और उन्हीं के साथ एक बच्ची भी सो रही थी, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। नगर निगम के पास ये शव मिला है। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को पीबीएम मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस व्यक्ति की शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है। तो ये व्यक्ति कौन है जिसका शव मिला है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। बीकानेर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर शव मिला है नगर निगम के पास ही ये शव मिला है। उसके बाद से पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और छानबीन की जा रही है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है, कहां का रहने वाला है। शव को पीबीएम मोर्चरी में रखवा दिया गया है। और खबर चूरू से है, जहां इंडस्ट्रीज एरिया में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगी है। फैक्ट्री में रखा हैंडीक्राफ्ट का सामान जल करके खाक हो गया है। चार दमकलों ने आग पर काबू पाया है और करीब 25 से 30 लाख के नुकसान का आकलन किया गया है। शॉर्ट सर्किट जो है आग लगने की वजह बताई जा रही है। सुबह 5 बजे करीब फैक्ट्री में ये आग लगी, जिसकी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। ये आग कैसे विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो चार दमकलों ने आग पर काबू पाया है। चूरू से ये जानकारी, सुबह 5 बजे फैक्ट्री में अचानक से ये आग लग गई और फैक्ट्री में रखा सामान जो है पूरी तरीके से जल करके राख हो गया है। तस्वीर भी है देखिए, और ये कहा जा रहा है कि करीब 25 से 30 लाख के नुकसान का आंकलन किया गया है। शॉर्ट सर्किट जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में ये भीषण आग लग गई है। सुबह 5 बजे की ये घटना बताई जा रही है। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जिसमें आप देख पा रहे हैं कि फैक्ट्री में कैसे आग लगती हुई दिख रही है। दूसरी तस्वीर, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। चार दमकलों ने आग पर काबू पाया। जब पता चला हमें फैक्ट्री में आग लगने का और जैसे ही हम आए तो दमकल वगैरह को कॉल किया और आपको रोकने की कोशिश की। लमसम 25-30 लाख रुपए का सामान था, सारा जल के राख हो गया और 3-4 दमकल आई थी कंटिन्यू और आग पे थे, उसके बाद नियंत्रण पाया गया।
और कोटा के ग्रामीण इलाके में सौतेले पिता ने अपने ही नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर के मानवीय रिश्ते को कलंकित कर दिया है। आरोपी पिता ने अपनी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को घर में अकेला पाकर के उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और किसी को बताने पर धमकी भी दी है। करीब 20 दिन पहले हुए इस वारदात के बाद बेटी गुमसुम रहने लगी, जिसके बाद मां ने बेटी से पूछताछ की तो बेटी ने आपबीती सुनाई, जिसके बाद मां ने रामगंज मंडी डीएसपी कार्यालय में आरोपी पति के खिलाफ परिवाद पेश किया और देर रात को आरोपी के खिलाफ सुकेत थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता महिला ने करीब 4 साल पहले दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी की थी। पहले पति से 16 साल की बेटी और 10 साल का बेटा है। फिलहाल सुकेत थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दौसा में दिव्यांग महिला के साथ रेप का यह पूरा मामला है और महिला के चिल्लाने पर परिजन जागे और आरोपी को पकड़ा गया है। गांव वालों ने आरोपी को बांध करके पीटा है और उसके बाल भी काटे हैं। पीड़िता के पति ने राहुआज थाने में केस दर्ज करा दिया है। आरोपी बाबूलाल मीणा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। राहुआज थानाधिकारी अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटे हुए हैं। तो यही वो व्यक्ति है जिसने रेप की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद से जैसे ही महिला चिल्लाई तो परिजन वहां पर पहुंचे और इस व्यक्ति को बांध लिया गया और इसकी पिटाई भी की गई है। सर के बाल भी काट दिए गए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो पीड़िता के पति ने राहुआज थाने में केस दर्ज करा दिया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और रात के सन्नाटे को तोड़ती चीख पुकार से डूंगरपुर के बेड़वा गांव में हड़कंप मच गया। लोग मौके पर पहुंचे, घर का दरवाजा खोलने पर ग्रामीणों को जो नजर आया उससे उनकी जुबान हलक में अटक गई। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। रात के सन्नाटे को तोड़ती चीख पुकार, खौफ की दास्तां बयां करता मंजर, खुला दरवाजा, हलक में अटकी जान, डूंगरपुर के बेड़वा गांव ने किया हैरान। मौत पर किसी का जोर नहीं, तभी जिंदगी मौत की अमानत कही जाती है, लेकिन मौत अगर अस्वाभाविक हो तो हैरान होना लाजमी हो जाता है। तस्वीरें डूंगरपुर के कुआ थाना क्षेत्र की हैं। बेड़मा गांव में जो हुआ उससे लोग सन्न हैं। शुक्रवार रात जो हुआ उसे स्वीकार करने को लोग तैयार हैं। हर जान बस एक ही सवाल पूछ रही है, जिस पिता पर बच्चों की उंगली पकड़कर उसे भविष्य की राह पर ले जाने की जिम्मेदारी होती है, वो ऐसा कर सकता है? एक पिता अपने ही हाथों अपने खून का खून कैसे कर सकता है, वो भी उस मासूम की जिसकी दोतली जुबान उसकी उम्मीदों का ठिकाना होती है। थाना अधिकारी सुनील चावला के मुताबिक बेड़वा गांव का कांजी 3 साल के अपने बेटे आयुष और पत्नी के साथ शुक्रवार रात को सोया हुआ था। देर रात करीब 2 बजे के आसपास कांजी उठा और धारदार चाकू से अपने बेटे आयुष की गला रेत कर हत्या कर दी। 6 बजे सूचना मिली थी कि बेड़वा गांव में एक पिता ने अपने पुत्र की गर्दन काटकर हत्या कर दी है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची है और मृतक की जो मां ने बताया कि उसके स्वयं के पति ने बच्चे के पिता ने रात्रि में लगभग 2 बजे धारदार छुरे से शरीर पर गर्दन पर वार कर हत्या कर दी, जिस पर उसके पति को डिटेन किया गया है और पीएम करवाया जा रहा है, अनुसंधान जारी है। शनिवार सुबह ग्रामीणों की इत्तला पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया। हत्या की वजह जानने में जुटी पुलिस आरोपी पिता से पूछताछ में जुटी है, जबकि मासूम की हत्या की वारदात से ग्रामीण सन्न है। खास बात यह है कि पुलिस को आरोपी के घर में एक खुदी हुई कब्र भी मिली है, जिससे पुलिस को हत्या की पहले से ही प्लानिंग किए जाने की आशंका है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी कांजी की 5 संतानें हैं, जिसमें आयुष सबसे छोटा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट।
और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है, नाबालिग स्कूली छात्रा ने आत्महत्या की है। स्कूली छात्रा ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। सुल्तानपुर नगर की बस कॉलोनी बस्ती की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मृतक छात्र प्रदीप था धनसरी गांव का निवासी और किराए का कमरा लेकर के 11वीं की पढ़ाई कर रहा था। आपको बता दें कि सुल्तानपुर थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, स्कूली छात्र ने आत्महत्या की है, जांच पड़ताल में कुछ निकल करके सामने आया, आखिर क्यों की इसने आत्महत्या? देखिए, आत्महत्या के कारणों की फिलहाल स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन हो सकता है कि पढ़ाई के दबाव के चलते या किसी अन्य कारण के को लेकर इन्होंने मौत को गले लगाया होगा। फिलहाल पुलिस इन तमाम पहलुओं पर जांच करने की बात कर रही है। मृतक के परिजनों को बुलाने के बाद अस्पताल में रखे, अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। और छात्र यहां जो है प्रदीप नामक 70 वर्षीय छात्र कोटा ग्रामीण के सुल्तानपुर इलाके में ही एक कमरे के किराए में रहकर पढ़ाई कर रहा था 11वीं क्लास का, और उन्होंने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल जो है सुल्तानपुर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन छात्र के आत्महत्या के कारणों की फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई। छात्र के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वो यहाँ रहकर पढ़ाई करने के बाद क्यों उन्होंने इस तरह का कदम उठाया, ये तमाम जो है पहलू है उस पर जांच करने के बाद ही स्थिति और तस्वीर साफ हो पाई हो पाएगी। फिलहाल सुल्तानपुर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी में पहले ही स्टूडेंट सुसाइड के मामले को लेकर पुलिस और प्रशासनिक में हड़कंप मचा हुआ है, और ग्रामीण इलाके में भी अब इस तरह की घटनाएं जब सामने आती तो निश्चित रूप से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करने की बात कर रही। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, कोचिंग नगरी कोटा से लगातार सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं और केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब जांच पड़ताल होगी तभी पता चलेगा कि आखिर इस छात्र ने आत्महत्या क्यों की। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबर जयपुर से है, जहां मुख्य सचिव सुधांश पंत लेपर्ड सफारी के लिए पहुंचे और इस दौरान मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय भी साथ रहे। वहीं सुधांश पंत का डीसीएफ जगदीश गुप्ता और अन्य स्टाफ ने स्वागत किया। आपको बता दें कि पीके उपाध्याय ने सुधांश पंत को दी सफारी से संबंधित जानकारी भी, तो तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे हैं जयपुर की ये तस्वीर है जहां पर लेपर्ड सफारी सीएस सुधांश पंत करते हुए नजर आए। और यहां पर जब वो सफारी कर रहे थे तो कई तरीके की जानकारी भी उनको यहां पर दी गई है। तो जयपुर से ये जानकारी, जहां पर मुख्य सचिव सुधांश पंत लेपर्ड सफारी के लिए पहुंचे। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, चुनाव प्रचार में सीएम भजनलाल जुटे हुए हैं। आज लुधियाना में जनसभा सीएम भजनलाल करेंगे, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी प्रत्याशी हैं और उन्हीं के समर्थन में आज जो है सीएम भजनलाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में लगातार जनसभा को संबोधित सीएम भजनलाल करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार में सीएम जुटे हुए हैं और जो पिछले दिनों से तस्वीरें सामने आ रही है, अलग अलग राज्यों में भी सीएम का दौरा देखने को मिल रहा है, जहां पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान प्रवासी जो है उनसे भी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी प्रत्याशी है और उन्हीं के समर्थन में आज सीएम भजनलाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इन लोकसभा चुनाव में 400 पार के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी है, जिसके लिए बीजेपी के दिग्गज अलग अलग राज्यों में जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में सीएम भजनलाल शर्मा भी किसी से कम नहीं है। बीजेपी को उसका लक्ष्य हासिल कराने की दिशा में सीएम भजनलाल ने दूसरे राज्यों में 42 जनसभा और रोड शो किए हैं। देखिए रिपोर्ट। बार 400 पार सीएम भजनलाल शर्मा ने लगाई जी जान, दूसरे प्रदेश में की 42 जनसभा और रोड शो। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 पार वाला आंकड़ा हासिल करेगी या नहीं, ये चुनाव नतीजे तय करेंगे। लेकिन पार्टी के दिग्गजों ने दूसरे राज्यों में जाकर जनसभाएं और रोड शो करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब की बार 400 पार के संकल्प को साकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
दिन रात चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पहले राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 90 से ज्यादा जनसभाएं और रोड शो कर चुके हैं। अब राजस्थान के अन्य राज्यों में रहने वाले प्रवासी राजस्थानी और मारवाड़ियों के बीच में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा स्टार प्रचारक के रूप में ताबड़तोड़ रैलियां और जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। सीएम भजन लाल शर्मा की बात करें तो उन्होंने दूसरे राज्य में 42 जनसभा सम्मेलन और रोड शो किए। प्रवासी राजस्थानी और मारवाड़ी बाहुल राज्यों और लोकसभा सीटों पर प्रवासी सम्मेलन किए। सीएम भजन लाल शर्मा ने अब तक झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा और महाराष्ट्र में प्रचार किया है। जानकारी की माने तो जिस राज्य में प्रवासी राजस्थानियों का उद्योग और व्यापार है वहाँ सीएम भजन लाल बीजेपी प्रत्याशियों के डिमांड में है। इतना ही नहीं, कई राज्यों में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी सीएम का नाम शामिल है। जिन राज्यों में सीएम स्टार प्रचार कर रहे हैं उनमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात शामिल है। सबसे ज्यादा रैलियां और सभाएं सीएम ने तेलंगाना और महाराष्ट्र में की है। लोकसभा चुनाव में दूसरे प्रदेश में सीएम भजन लाल 42 जनसभा कर चुके हैं, लेकिन प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर भी नेताओं में एक प्रदेश में एक महीने के अंदर करीब 90 जनसभाएं, रोड शो और मीटिंग्स की। 13 सीटों के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले तक सीएम एक महीने में 33 जनसभा और रोड शो कर चुके थे। अगर एक महीने की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 42 से ज्यादा जनसभाएं और रोड शो कर चुके हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, कलकत्ता हो, हरियाणा हो या फिर अन्य राज्य हो। उनके अंदर किस तरीके से प्रवासी राजस्थानियों को कहा जा सकता है कि चुनाव प्रचार को लेकर उनके बीच में जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, चुनाव प्रचार में राजस्थान के नेता जुटे हुए हैं। हरियाणा के रोहतक में सतीश पुनिया की चुनावी बैठक और ओडिशा में बैठक लेंगे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी। आपको बता दें कि कटक और भुवनेश्वर में सीपी जोशी बैठक लेंगे। ओडिशा की 6 सीटों की जिम्मेदारी जो है वो सीपी जोशी संभाल रहे हैं। कटक में मंत्री अविनाश गहलोत कमान संभाल रहे हैं तो कटक में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कल पीएम मोदी की कटक में रैली होनी है तो तमाम बड़े कद्दावर नेता जो बीजेपी के हैं वो देखिए अलग अलग राज्यों में चुनावी कमान संभाल करके बैठे हुए हैं, लगातार पहुंच रहे हैं। राजस्थान के जो नेता हैं, हरियाणा के रोहतक में सतीश पुनिया की चुनावी बैठक, तो वहीं ओडिशा की अगर हम बात कर ले तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी वहां पर बैठक लेंगे। कटक और भुवनेश्वर में सीपी जोशी बैठक लेंगे जहां पर चर्चा विमर्श किया जाएगा और ओडिशा की 6 सीटों की जिम्मेदारी जो है सीपी जोशी संभाल रहे हैं। तो राजस्थान के तमाम बड़े कद्दावर नेता हैं जिनका नाम हम आपको बता रहे हैं जो कि अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, चुनावी कमान संभाल करके रखे हुए हैं। लगातार उनके द्वारा चुनावी सभाओं को संबोधित किया जा रहा है। जो भी केंद्र सरकार के द्वारा कामकाज किए गए हैं उसको भी गिनाया जा रहा है। प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करने में ये तमाम नेता जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि कल पीएम मोदी कटक में रैली करेंगे और अगर हम बात सीएम भजन लाल की कर ले तो वो भी देखिए लगातार दूसरे राज्यों के दौरे पर है। राजस्थानी जो प्रवासी हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, ये तमाम नेता बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और आज भी कई जगहों पर जो है तमाम नेता आपको नजर आएंगे जो कि चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि एआरएल ग्रुप और अक्षत बिल्डर्स पर आयकर छापे जारी है और छापे की कार्रवाई में 160 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई की दस्तावेज जो है वो जब्त हुआ है। आयकर विभाग ने 6,83,00,000 की ज्वेलरी जब्त की है। ग्रुप संचालकों का शेयर ट्रांजेक्शन में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। शेयर ट्रांजेक्शन में 50 करोड़ से ज्यादा टैक्स चोरी पकड़ी गई है। अक्षत बिल्डर्स द्वारा महंगी दरों पर फ्लैट की बिक्री पकड़ी है और रिटर्न में फ्लैट की कीमतें जो है वो बहुत कम बताई गई हैं। रियल एस्टेट कारोबार में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी के गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। ग्रुप संचालकों द्वारा बेहिसाब ब्लैक मनी से कारोबार करने का खुलासा हुआ है। और चलिए यार रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।